टू माई चैनल विज्ञान श्रोतालय। और आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से आने वाले कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस के बारे में। सो बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर बीएससी से रिलेटेड बायो ऑनर्स, बी फार्मा, नर्सिंग, और साथ ही साथ आपके और भी अदर कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का, यानी उस क्वेश्चन के क्या सही करेक्ट आंसर्स हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि कोविड में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं, तो क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए एक तरीके से एकेडमिक और एज वेल एज आप कह सकते हो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दोनों ही में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो इन दी बायो रिएक्टर्स बाई सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, एगिटेटेड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम या फिर बोथ ए एंड सी ऑप्शंस। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, आप में से जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, यानी करेक्ट आंसर क्या है वो आप देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो इन द बायो रिएक्टर्स बाई सपोर्ट ग्रोथ एंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोथ। तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली अब कैन बी ग्रो हो सकता है बायो रिएक्टर से, बट उसका जो भी ग्रोथ है वो आपके सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम दोनों पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो होने वाला है बोथ ए एंड सी। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन आपके ए एंड सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा होने वाला है आपका ऑप्शन डी। ओके, जस्ट वेट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ हम करते हैं उसका यूज़ करके जो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट्स होता है, कैंसर के जो ड्रग्स होता है, नेम द ड्रग्स, हम किस ड्रग्स का यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में जो कि बायोटेक्नोलॉजी का ही एक देन है, कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से ही हमें मिलता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एक आपके हैं टेरामाइसिन, HGH, इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन। ओके, चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या कहता है कि रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन अल्फा 2b इज फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा। सो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉर्मली सेल्स द्वारा बनता है इम्यून सिस्टम्स के लैब में और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इंटरफेरॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बायोटेक्नोलॉजी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस मैं आज के सेशंस में लेके आई हूँ ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नीट और नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बायोटेक्नोलॉजी के ये सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैंने एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। और एक टॉपिक अगर आपको एक जगह पे मिल जाता है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से वो ये है कि ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग
विच इज कॉल्ड एज अ जीन टैक्सी, ओके, वैक्सीन प्लाज्मिड बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोआ, इसमें से किसको जीन टैक्सी कहा जाता है? चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन कह रहा है कि अ प्लाज्मिड इज एन इंडिपेंडेंट सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स, एक डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी कैसा, इंडिपेंडेंट सर्कुलर और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एंड दे कैरी फ्यू जीन्स, ओके। सो ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग प्लाज्मिड डिस्क्राइब एज अ वैक्टर, वो वैक्टर की तरह आप डिस्क्राइब कर सकते हो उसको, या फिर वैक्टर के अलावा जेनेटिक टैक्सी, मतलब कि जो किसी को कहीं पे पहुंचाए। सो जेनेटिक टैक्सी टू डिलीवर जीन्स, क्योंकि वो जीन्स को डिलीवर करता है टू इंटरेस्ट टू अदर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ओके। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन, डेट इज प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स, सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बल्क। सो सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। आप एंटीबॉडीज आइडेंटिकल, एक जैसे ही एंटीबॉडीज को अगर बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर रहे हो, उस मेथड्स को हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का सेकेंड नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका मेनली सेकेंड ऑप्शन, डेट इज बी, ओके, डेट इज बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन? सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंट्रोडक्शन फूड प्लांट डेवलपमेंट बाई जेनेटिक इंजीनियर इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज दिस प्रोड्यूस्ड आर लेस टेस्टी एज कम्पेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, द मेथड इज वेरी कॉस्टली, इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में सफर, या फिर देर इज डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ वायरस एंड टॉक्सिन विथ इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप। सो बेसिकली हमारा जो मेन कह सकते हैं कि आप इसका जो, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि जो भी वायरस होंगे वो बहुत ज़्यादा डेंजर होंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, एलर्जेंस एंड टॉक्सिन विथ इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप। सो ज़्यादातर फूड प्लांट डेवलप जो कराया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो हम कर रहे हैं, डॉट बिकॉज कि ये आपके ये थर्ड ऑप तीनों ऑप्शन को शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि देयर इज अ डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ वायरस एंड टॉक्सिन विथ इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप, ओके। नेक्स्ट आता है, ओके, नाउ द न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाई बायोटेक्नोलॉजी इन एल्कोहल इंडस्ट्री। एल्कोहल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी बैक्टीरिया का एक आप कह सकते हो जो भी बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इंडस्ट्री कौन सी? एल्कोहलिक इंडस्ट्री। इस्चीरिया कोलाई, सैक्रोमाइसिस, सर्वेसी, वैसिलस स्टेप्टिलाइस एंड स्यूडोमोनास पुटीडा। सो बेसिकली बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में इन एल्कोहल इंडस्ट्री में देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी का रोल, तो वो जनरली अ न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, उसके हेल्प से ही हम और वो पर्टिकुलर जो न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसकी मदद से हम एल्कोहल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, टू डिक्रीज द शीट नंबर, और टू इंक्रीज द प्लांट, ओके, प्लांट लाइक प्लांट की कई सारी जनरेशंस और प्रोडक्शन आप कह सकते हो। जस्ट वेट एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है?
की इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल सेक्शन, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज हैं टू, जो कि आपके यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ओके ऑफ द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इंक्रीज द सीड नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू विटामिन्स मैन्युफैक्चर्ड बायोटेक्नोलॉजिकली, कौन कौन से वाइटमिन्स है जो बायोटेक्नोलॉजिकल तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। वाइटमिन B12 एंड वाइटमिन B6, B12 एंड वाइटमिन B2, B6 एंड वाइटमिन B2, B12 एंड वाइटमिन B। ओके, सो राइट ऑप्शन इज वाइटमिन B6 एंड वाइटमिन B2। ओके, थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट एवर मैमल्स टू बी सक्सेसफुली क्लोन फ्रॉम एन एडल्ट सेल, शिप, मंकी, काउ एंड काल्स। एक कह सकते हैं कि एडल्ट सेल से जो सक्सेसफुली क्लोन बनाया गया एक मैमल का, वो कौन सा मैमल है? ठीक है, तो वो है हमारा शिप और उसका नाम है डॉली। डॉली वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन फ्रॉम एन एडल्ट सेल, एडल्ट सेल के क्लोन से बनाया गया। एंड हर बर्थ प्रूव दैट स्पेशलाइज सेल कुड बी यूज टू क्रिएट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एनिमल दे केम फ्रॉम। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, दैट इज शिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लाज्मिड, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, कौन से ऑर्गेनल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं? दैट इज मेनली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है एंड दैट सर्व एज अ साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन टू प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड देयर फोर आर ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। सो ये हमारा यूज होता है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट फोर्थ ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज cDNA? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्लोन डीएनए, डीएनए प्रोड्यूस फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड साइटोप्लाज्मिक डीएनए। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है बिकॉज इन जेनेटिक्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट इन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इको आर वन एंजाइम इज ऑप्टेन फ्रॉम वायरस, साल्मोनेला, ई कोलाई एंड पेनिसिलिन। सो इको आर आई जो है वो इको आर वन इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम स्पीसीज ई कोलाई एंड इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट क्लीव डीएनए। डीएनए को वो क्लीव कर सकता है, तोड़ सकता है डीएनए डबल हेलिकल इंटू उसको कई सारे फ्रेगमेंट्स में, वो भी एक स्पेसिफिक साइट्स पर एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है डेट इज कह सकते हैं कि इको आर एंजाइम जनरली ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया से मिलता है, इस्चीरिया कोलाई। तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी। ओके नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट्स हाइब्रिड वॉज मेड अराउंड 1717 बाई थॉम्स फेयर चाइल्ड डी डी ब्रीज
बोरलॉग एंड नन ऑफ दिस. सो द वेरी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटर स्पेसिफिक प्लांट हाइब्रिड वॉज प्रोड्यूस्ड बाई थॉम्स फेयरचाइल्ड. एंड द ऑर्गेनिज्म दिस डेवलप वॉज नोन एज द डायंथिस कैरियोफाइलिस बारपेटस और अ फेयरचाइल्ड म्यूल. इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ स्वीट विलियम एंड कार्नेशन पिंक. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेयर डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नेथान्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बर्क और नन. सो सॉल्यूशन यही कहता है कि आर्बर हैड प्रोवाइडेड द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द बायोलॉजी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड हैड सक्सेसफुली आइसोलेट द वेरी फर्स्ट टाइप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको बी आई. बट स्मिथ एड डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडो न्यूक्लियस आर. सो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्मिथ एंड नेथान्स. नाउ बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विद लाइगेज, इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड गायरेज. बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, राइट? बट उसके लिए वो अपनी बॉडी के बाहर एक फ्रैगमेंट बनाता है वायरल डीएनए का. तो उस वो पर्टिकुलर कौन से एंजाइम का बना होता है? सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विद एन इंडोन्यूक्लियस. ओके, एंड द इंडोन्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरियल सेल विच लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, इंडोन्यूक्लियस. नाउ जस्ट रिपीट. ओके, the first clinical applications of gene therapy over a 4-year-old girl was for adenosine deaminase deficiency, adenosine deficiency, growth deficiency or adenine deficiency. So gene therapy is a procedure including copies of a healthy gene to replace defective gene responsible for the disease development. And the first clinical gene जो कि transfer किया गया था, transfer took place on 22 May 1992 for correction of adenosine deaminase, okay, ADA enzyme deficiency में. So इस question का जो particular सही option है वो होगा आपका first number option, okay? Now next question. आर एन ए इंटरफेरेंस हेल्प इन सेल प्रोलिफरेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, सेल डिफेंस और सेल डिफ्रेंसिएशन. सो बेसिकली आर एन ए इंटरफेरेंस किस में हेल्प करता है? आर एन ए इंटरफेरेंस हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंडिंग सेल अगेंस्ट पैरासिटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वायरस एंड ट्रांसपोजोन. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका थर्ड नंबर ऑप्शन, डैट इज सेल डिफेंस में आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो बेसिकली हेल्प करता है. ओके, थर्ड ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाई कैरीमुलीस, बॉयर, सेंगर एंड कोहन. ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. सो ये टेक्निक जनरली कैरीमुलीस ने डेवलप किया था 1980 सेंचुरी में एंड ही रिसीव द 1993 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. सो इस क्वेश्चन का जो जनरल मतलब करेक्ट आंसर है वो है कैरीमुलीस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Now, next question. The vaccines prepared through recombinant DNA technology are third generation vaccine, first generation vaccine, second generation vaccine or none. So, इस question जो vaccines है generally वो भी genetic DNA technology का ही एक recombinant DNA technology का एक result है. तो
तो ये किस जनरेशन का वैक्सीन जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। सो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, वैक्सीन्स प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स के नाम से जाना जाता है। एंड दिस वैक्सीन्स डू नॉट कंटेन दी होल ऑर्गेनिज्म इंस्टिंक्ट ऑफ इट, एंड दे कंटेन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक हेपेटाइटिस वी वायरस के जो वैक्सीन्स है, या हर्पेस वायरस या निमोनिया वैक्सीन्स है, ये सब आपके जो हैं सेकेंड जनरेशन्स के वैक्सीन्स में आते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ क्लोनिंग वैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स, कैन बी मल्टीप्लाइड इन लैबोरेटरीज विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल। ओके, सो प्लाज्मिड जनरली यूज्ड एज अ वैक्टर मेंटेनिंग द मॉडिफाइड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस दैट अलाउ देयर एप्लीकेशन विद इन दी होस्ट, एंड दे कंटेन अ जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच इंश्योर डेट फॉलोइंग ट्रीटमेंट विच अ हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक ऑल वियबल बैक्टीरियल कॉलोनीज विच कंटेन सेवरल कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड। ओके, सो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, सेल्फ रेप्लीकेशन इन बैक्टीरियल सेल इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ ओके, द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन वाइटमिन सी, बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिनिन, बायोटीन और लाइजीन। सो गोल्डन राइस में क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन मिलता है। बीटा कैरोटीन इज अ रेड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स, एंड इट गिव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देयर रिच कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। एंड द आउटसाइड ह्यूमन बॉडी इट एक्ट एज अ पिगमेंट, बट वेन इट इंटर द बॉडी इट कन्वर्ट इन टू वाइटमिन ए रेटिनॉल विच इज हेल्पफुल इन गुड विजन एंड आई हेल्थ। एंड फेरिटिन इज आयरन स्टोरेज प्रोटीन, इट हेल्प टू प्रोवाइडिंग आयरन टू द बॉडी फॉर क्रिटिकल सेलुलोज प्रोसेस सेलुलर प्रोसेस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, दैट इज बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिनिन। नाउ ओके, सो आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। और अगर आपको लगता है कि मेरे बनाए हुए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप उसको समझ पा रहे हो, इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।